वेलकम टू जीबी मैथमेटिक्स वास फ्रेंड। देखिए सिंप्लीफिकेशन का कितना, सिंप्लीफिकेशन एंड कितना क्या है अलजेब्रा, कितना पार्ट 9। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पता ही है कि इस चैनल पर राकेश यादव का डेली क्लास नोट प्रोवाइड किया जाता है। चलिए अब देखिए, मेरे टाइम वेस्ट किया, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक कंसेप्ट, पहला ये फॉर्मूला है, ये आपका याद ही रखना पड़ेगा फ्रेंड, एक्स का कोई उपाय नहीं है। जैसे देखिए ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी टू ए बी इतना होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आपको दिख रहा होगा, जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखिए इतना दे देगा, इतना दे देगा, इतना देगा, पूछा गया एक्स बाय इतना पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां देखिए हमको इतना देना है, हमको इस फॉर्मूला पे सेट करना है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां देखिए यहां देखना है, अब देखिए आप इतना बराबर हमको हमको लाना है कि यहां देखिए इतना ए बी बी यहां पर हम सेट कर दें, ए प्लस बी तीन के पावर कितना होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तीन के पावर होल स्क्वायर, क्यों ए प्लस बी बराबर ए एक्स बाई बराबर कितना तीन बराबर। ठीक है, इतना बराबर, अब देखिए आपको ए एक स्क्वायर बी के स्क्वायर सी के स्क्वायर कितना दिया हुआ है, छ दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, छ दिया हुआ है प्लस टू, अब देखिए इतना बराबर आपको नहीं दिया हुआ। अब देखिए यहां से देखिए एक के पावर एक्स ई जेड, अगर इसको एलसीएम लीजिएगा फ्रेंड तो कितना होगा एक्स बाय जेड, जब यहां से एलसीएम लीजिएगा तो ई कितना एक्स से खत्म कितना हो जाएगा बाई जेड, फिर यहां से बाई खत्म कितना प्लस एक्स जेड, फिर यहां से जेड खत्म कितना एक्स बाई बराबर कितना था टू, तो यहां से आ जाएगा बाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स बाई बराबर कितना टू एक्स बाई जेड। ठीक है, तो यहां बराबर इतना बराबर कितना आ गया, तो इस फॉर्मूला पर हम यहां पर बिठा देंगे कितना टू एक्स बाई जेड। ठीक है ना, अब देखिए ये कितना हो जाएगा नाइन, ये कितना छ प्लस टू फोर एक्स बाई जेड, अब देखिए तो फोर एक्स बाई जेड ये नौ है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा देखिए नौ, इधर जाएगा कितना छ, कितना बचेगा तीन इक्वल टू तीन, तो यहां से कितना एक्स बाय जेड कितना आ गया तीन बाय फोर, ये सेट कर लेते नीचे नटक जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, ये हम आपको डायरेक्ट बैठा दिए हैं, यहां इसको मान लीजिए आप इसको फॉर्मूला लिख लेते ए प्लस कितना जेड, इसको होल स्क्वायर आप लिखते कितना एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर प्लस कितना जेड का स्क्वायर प्लस टू, और फिर इसको कितना लिखते हैं एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो यहां तो भी उतना ही आया है ना, एक्स बाय कितना बाई जेड जेड एक्स। ठीक है ना, ठीक इस फॉर्मूला पर बैठा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी का एग्जांपल है। देखिए ये आपको ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दे फ्रेंड, आपको डराना नहीं है, देखिए पी बटा एक्स क्यू बटा वाई आर बटा जेड, देखिए इसी को पलटल है, पी नीचे है फिर ऊपर कर दिया, फिर इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखिए इसको स्क्वायर किया है तो आप पी के स्क्वायर फिर एक के स्क्वायर, तो इसको पी बटा एक्स के पूरा का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना, देखिए आप इतना और अगर आप वन ए मान लेते हैं फ्रेंड, और इतना बराबर आप बी मान लेते हैं, ठीक है, इतना बराबर आप सी मान लेते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां देखिए यहां तो पलटा हुआ है ना, यहां क्या है पलटा हुआ है, अगर हम माने थे कितना ए प्लस बी ये इतना बराबर हम ए माने थे, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर करेंगे आई नीचे करेंगे तो ये भी हो जाएगा वन बाई ए हो जाएगा ना, यहां पे देखिए पी बाई अगर हम ए माने थे, ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है, ऊपर करना के नीचे तो ये भी इसको कुछ नहीं आता, ये भी ऊपर भी नीचे हो जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर पलटेगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा वन बाय ए, कितना हो जाएगा वन बाय बी, ये कितना हो जाएगा वन बाय सी बराबर कितना है जीरो। ठीक है ना, ए वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी बराबर कितना है जीरो। अब इसको कितना हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस
सी का स्क्वायर बराबर कितना वाट, यानी हमको पूछ रहा है। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम बैठा देंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी, इतना हम समझाने के लिए आपको डिटेल कर रहे हैं। कितना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर टू कितना हो जाएगा एक्स माने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए ए प्लस बी कितना दिया हुआ है वन स्क्वायर, हमको इसको पूछ रहा है इसको मान लीजिए आपको मान लीजिए एस पूछ रहा है ठीक है प्लस टू ए। अब देखिए टू इतना बराबर क्या दिया हुआ नहीं दिया, यहां से हम सोल्व करते हैं। देखिए ए प्लस दिया हुआ है बी प्लस वन बाई सी बराबर जीरो दिया हुआ, एलसीएम लेंगे ए बी सी ठीक, एलसीएम लेंगे ए बी सी ऐसे खत्म होगा बी सी होगा फिर बी खत्म होगा ए सी होगा फिर सी खत्म होगा ए बी होगा बराबर बाई जीरो, तो यहां से कितना आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आ जाएगा जीरो ठीक है ना। यहां से ए बी बी सी सी ए बराबर कितना आ जाएगा जीरो, तो यहां पर हम लिखते हैं इतना बराबर किया जीरो ठीक है। अब देखिए तो एक का स्क्वायर वन, हम इसको पूरा के क्या माने हैं एस एस प्लस किया जीरो, तो एस बराबर क्या आ गया आपका वन, तो एस बराबर हम क्या माने थे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर कितना वन, ये आपका आंसर यहां पे ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी अगर रहे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वन बाई टू एक ए माइनस बी के होल स्क्वायर बी माइनस सी के होल स्क्वायर सी माइनस प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर ठीक है फ्रेंड। इस पे कैसे पूछेगा यहां देखिए ए बराबर इतना बी बराबर इतना सी बराबर इतना ठीक है ना, ए बराबर सी इतना तो आपको पूछ देगा कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ठीक है ना माइनस ए बी बी सी सी ए बराबर वाट, तो इसका फॉर्मूला कितना होता फ्रेंड वन बाई टू यहां से ए का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस क्या सी ए ठीक है ना। अब देखिए इसको रख देंगे, अब देखिए ए माइनस बी कितना का अंतर है ये नौ ए एक, तो यानी एक का स्क्वायर प्लस बी सी बी और सी बी और सी एक ही का है ठीक है प्लस सी ए सी ए कितना का है दो है ये नौ कितना है नौ सौ संतानवे नौ सौ निन्यानवे है कितना दो का है दो के स्क्वायर ठीक है, तो कितना वन बाई टू इसका स्क्वायर कितना होगा वन इसका टू कितना फोर तो चार पांच छ यहां कितना आ जाएगा छ इसे कट जाएगा कितना इसका आंसर कितना आ गया फ्रेंड तीन ठीक है ना इसका आंसर तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहां फॉर्मूला है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, देखिए इसका क्या फॉर्मूला है वन बाई टू ए बी सी ठीक है यहां जितना रखना था फिर ये आपका फॉर्मूला। इस पर कैसे पूछेगा क्वेश्चन आपको देखिए ए बराबर इतना देगा बी बराबर इतना देगा सी बराबर इतना देगा ठीक है, अभी इतना बराबर पूछेगा आपको इतना बराबर पूछेगा इतना बराबर हम कितना फॉर्मूला क्या होता है वन बाई टू ठीक है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए माइनस होल स्क्वायर ठीक है फ्रेंड। अब देखिए वन बाई टू यहां हम रख देंगे कितना निन्यानवे प्लस संतानवे प्लस छियानवे ठीक है ना इंटू। अब देखिए ए माइनस बी कितना का है वन का प्लस देखिए बी कितना यहां देखिए बी माइनस सी बी माइनस सी वन ही का है ठीक है प्लस देखिए सी माइनस ए कितना का है सी माइनस ए यहां देखिए ए बी माइनस कितना का फ्रेंड दो का है तो यहां दो हो जाएगा ना ठीक है ई कितना का है एक का और इसमें कितना का जा रहा है भाई तीन का तो यहां कितना हो जाएगा तीन का होल स्क्वायर ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा फ्रेंड दो सौ बानवे ठीक है। अब देखिए दो सौ बानवे ठीक है। अब देखिए इसको कीजिए कितना हो जाएगा फोर इसको कितना वन इसको कितना नौ नौ एक दस कितना हो जाएगा चौदह इसे कितना कर दिया सात में रहते फिर आप दो सौ बानवे में सात से गुना कीजिएगा फ्रेंड कितना आएगा बीस चौवालीस आप गुना कर लीजिए देखिए
जैसे 7 × 14 = 4, ठीक है ना, 7 × 14 = 4, 9 × 7 = 63, 1 × 64 = 4, कितना, 7 × 14, 14 × 6 = 20, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये आपका अंदर है रूट और यहाँ इतना बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ, इतना, बी बराबर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए हमको इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इतना, इस पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब देखिए 1/2, देखिए इतना प्लस इतना प्लस 3 × 3 = 4, ठीक है ना, यहाँ। अब देखिए इसको अंतर नहीं है तो 0² प्लस ई 1² इसमें कितना 1², ठीक है ना फ्रेंड। अब देखिए इसको जोड़िए कितना आएगा 1000, कितना 1000 इंटू इसको 0 का पावर कितना होगा 0, इसका कितना होगा फ्रेंड, इसको 1, इसको कितना होगा 1, 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, इसे ही खत्म, यहाँ कितना आ गया 1000, यानी ये 3 का मान कितना है 1000, जब 3 0 है, 3 है तो बाहर निकले कितना 1 0 निकलेगा, यानी इसका मान कितना आ गया 10, ठीक है फ्रेंड, इसका मान कितना आ गया 10, ठीक है। देखिए अभी तक मैंने चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो रकेश यादव बताता है ना फ्रेंड क्लास में उसी का मैं वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके, जो रकेश यादव एक दिन एक वन डे पढ़ाते ना, ये 2 पार्ट में बांट देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, क्यों, क्योंकि फिर वीडियो, फिर अगर हम रकेश यादव के 1.5 घंटा का क्लास हम करेंगे तो 20-25, इसलिए 2 पार्ट में बांट देते हैं क्योंकि छोटा छोटा हो जाए, अगर हम 2 एक ही पार्ट में बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, 40 मिनट या 30 मिनट 35 मिनट का बन जाएगा फिर बहुत ज्यादा, ठीक है ना फ्रेंड। अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और कॉमेंट करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।